मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जनता चाहे तो लगाए कर्फ्यू। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायों के लिए हाल ही में मनपा मुख्यालय में हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक में भले ही भाजपा के तमाम विधायकों की ओर से शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने की मांग रखी हो, लेकिन अब महापौर संदीप जोशी की ओर से जनता कर्फ्यू नहीं लगाने की घोषणा की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू लगाने से बेहतर लोगों ने स्वयंफूर्ति से घरों में रहने का निर्णय लेना चाहिए। यदि ज्यादातर लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलने का निर्णय लिया तो इन दो दिनों में कोरोना संक्रमण से उजागर हो रहे आंकड़ों में कमी देखी जा सकती है। नमस्कार आपको। आज 4 सप्टेंबर आणि आज आपण नागपूर का कोरोना महामारीमध्ये एका वेगळ्या शिखराकडे चालले आहोत। खरं म्हणजे सुरुवातीलाच ICMR असेल इतर अनेक सरकारी एजन्सीजनी याची सूचना दिली होती की आपलं जे प्रोजेक्शन आहे ते सप्टेंबरमध्ये हे पीककडे जाणार आहे। काल आपण 3 तारखेला 6,000 टेस्ट केल्या, या 6,000 1,750 लोक हे पॉझिटिव्ह निघालेले। वारंवार शासकीय दिशानिर्देश येतात आहे, आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करू, आपण मास्कचा वापर करू, आपण सॅनिटायझेशन करू, परंतु दुर्दैवाने एक ठरलेले पर्सेंटेजची मंडळी सोडली तर इतर अनेक जण मला काय त्याचं हे म्हणत, मला काहीच होणार नाही असं म्हणत या दिशानिर्देशांचं पालन करीत नाही। काल सन्माननीय आयुक्तांसोबत बैठक झाली, आता यानंतर अत्यंत कठोरतेने यावरती कारवाई ही महानगरपालिका सुरू करत आहे। आजपासून महानगरपालिकेचं NDS पथक मास्क न लावणाऱ्यांवरती कडक दंड देखील आजपासून जो सुरूच होता पण आजपासून जास्त ताकदीने कठोरतेने आम्ही त्यावर उपाययोजना करत आहोत। या ठिकाणी जनता कर्फ्यू लावण्यासंदर्भात देखील अनेक लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली, परंतु उद्या परवा शनिवार रविवार हा जनता कर्फ्यू लावला तर लगेच आपण सारेजण आपल्याला येणाऱ्या आठवड्यात काही मिळेल की नाही अशा पद्धतीने गर्दी करत असतो, आणि त्यामुळे या शनिवार रविवारी हा जनता कर्फ्यू आपण लावणार नाही। या शनिवार रविवारी माझी आपणाला सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही आणि आम्ही स्वयंस्फूर्तीने स्वयंशिस्तीने जेवढं होऊ शकेल तेवढं घरामध्ये राहू, आमच्यावरती दंडा उभारायची कुणालाही गरज पडू नये। आम्ही स्वतःहून स्वयंस्फूर्तीने 2 दिवस घराच्या बाहेर न निघण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून ही जी वाढती आपली संख्या आहे ती कमी होऊ शकेल याचा आपण प्रयत्न करू। दिशानिर्देशांचं मात्र मनापासून आपण पालन करूया, एवढीच या ठिकाणी मी आपणाला विनंती करतो। धन्यवाद। तो वही मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, फिर भी शहर में नियमों की अनदेखी की जा रही है। संबंधित मामलों में मनपा प्रशासन ने फिर से सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मास्क नहीं लगाने के मामले में 226 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। तो वही मनपा करेंगी विशेषज्ञ डॉक्टरों नर्सों की भर्ती। कोविड को ध्यान में रखते हुए मनपा की तरफ से 5 डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर शुरू किए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों और मैन पावर नहीं होने की वजह से उसका संचालन नहीं हो पा रहा था। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संबंधित हेल्थ केयर सेंटर में मैन पावर की व्यवस्था शुरू कर दी है। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टर नर्स तकनीशियन वार्ड बॉय की ठेका पद्धति पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए स्थायी समिति के पास भेजा है। ठेका पद्धति करार आधार पर मानधन पद्धति से करने का निर्णय लिया गया है। 3 महीने के लिए 97,98,000 रुपयों को मंजूरी देने का प्रस्ताव आ रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं।
लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।